एक नए महीने में एंटर कर चुके हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं और अब करंट अफेयर्स लाइव शो का टाइम है। जी हाँ, आपके सबसे पसंदीदा शो का टाइम आ चुका है, ओनली ऑन महेंद्राज यूट्यूब चैनल। और मैं संचित महेंद्राज सुबह सुबह के 7 बजे आपसे नमस्कार को गुड मॉर्निंग करने, आपको सबसे बेहतरीन न्यूज बताने, एकदम तो बिल्कुल फटाफट अंदाज में मैं आ चुका हूँ आपके साथ। तो सर, आज का सेशन शुरू करा जाए और फटाफट अपने दोस्तों को बुला लीजिए, बिकॉज सर आज मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। रोज की तरीके से आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो सर जल्दी से सबको बुला लीजिए, सेशन को शेयर और लाइक करने शुरू करिए, क्योंकि अब 7 बज चुके हैं और आज नए महीने की पहली तारीख में हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स लाइव शो के साथ। तो सर विच यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, जल्दी से आइए हमारे साथ। तो सर अब यहाँ से सर देखा जाए तो आज का सेशन में क्या क्या बताएंगे आप हमें? तो सर ये रहा आज का सेशन का एक कितना कि एक हमको पता चल जाएगा टॉपिक्स क्या क्या कवर करना है हमको आज के सेशन में। तो सर ये रहे टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे, तो सर वो टॉपिक्स क्या क्या है? स्टार्टिंग करेंगे हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ, चलेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द मार्च मंथ की तरफ, प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे। सर कल मैंने एमसीक्यू ऑन कोरोना लिया था, अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है जरूर से देख लीजिएगा, कल था 31 मार्च, तो कल मैंने लिया था एमसीक्यू ऑन कोरोना, तो उसको लिया था तो फाइनेंशियल फैक्ट हटा दिया था, पर आज फिर से फाइनेंशियल फैक्ट आपका वापस ले आए हैं, तो फाइनेंशियल फैक्ट होगा और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा सर। तो सर विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग, लेट सी कितने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फैंटास्टिक, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सर आपका अमित सर कह रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद। ऋतिक कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, प्रशांता कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वंदना भारती गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फैंटास्टिक। सर शुरुआत करते हैं आज की कोट से, जरा देखिएगा कोट आपने कई बार सुनी है। मैंने कहा सर नया महीना है, पहली तारीख है, क्यों ना एक शानदार कोट से शुरुआत करी जाए। जरा पढ़िएगा मेरे साथ और सर दोहराइएगा, मजा आना है तो बताइएगा। सर फैंटास्टिक कोट है, कोट जरा देखिए मेरे ध्यान से देखिएगा कोट को। असफलता असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर बस इसी थॉट के साथ ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी, और सर हम और आप कोशिश करते रहेंगे, रोज सुबह मिलेंगे, और सर करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन आएगा चाहे एसएससी लेवल का हो चाहे बैंक लेवल का हो वो गलत नहीं होना चाहिए सर, लेकिन उसके लिए हमें सबका साथ चाहिए। तो सर शेयरिंग एंड लाइकिंग ये दो काम आपको करने हैं, शेयरिंग एंड लाइकिंग, बाकी मैं करूंगा। तो सर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर आज क्या क्या है। सर आज आपका है इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और जो है उसमें हम लेकर आए हैं आपका बांग्लादेश, क्योंकि सर अभी आपका क्या हुआ था, अभी आपका 100th बर्थडे आया था आपका बंग बंधु साहब का, यानी शेख मुजीबुर रहमान साहब का। तो शेख मुजीबुर रहमान साहब का 100th बर्थडे था, तो उसी को ध्यान में रख के मैं बांग्लादेश का पूरा डिटेल आपके लिए लेकर आया हूँ। सर देखिएगा मेरे साथ वर्ल्ड बाय वर्ल्ड, आज के बाद बांग्लादेश से जो स्टैटिक क्वेश्चन है, आई रिपीट, जो स्टैटिक क्वेश्चन है वहां पर कोई डाउट नहीं होगा, तो बस जुड़े रहना है और समझना है ध्यान से। बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, रिलीजन इस्लाम, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, पीएम शेख हसीना। शेख हसीना बेटी है किसकी? वही आपका बंग बंधु यानी कि आपका शेख मुजीबुर रहमान साहब की। हाउस स्पीकर कौन है? शिरीन चौधरी। चीफ जस्टिस है सैयद महमूद हुसैन। आगे से देखते हैं नेशनल एंथम क्या है। नेशनल एंथम है यहाँ पर अमार सुनार बांग्ला, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था, कब लिखा था? जब आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। नेशनल मार्च, जैसे अपने यहाँ नेशनल सॉन्ग होता है उनके यहाँ नेशनल मार्च होता है, ये लिखा था नोटवर गान ने, उनको बेसिकली नोटवर गान वो नाम है, जैसे अपना वंदे मातरम है उनका नोटवर गान है, उसको लिखा है काजी नजरुल इस्लाम साहब ने, ये वहाँ के नेशनल पोएट भी हैं। नेशनल गेम है कबड्डी, नेशनल पार्क है भावल नेशनल पार्क। और सर जो छुप गया है, सर जो छुप गया है, सर वो पहला वाला है इंडिपेंडेंस डे,
पहला वाला है इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971। हमने डिस्कस करा था 26 मार्च को बताया था इंडिपेंडेंस डे बांग्लादेश को मनाया जाता है 1971 में, और सर विक्ट्री डे है 16 दिसंबर 1971 में। सर जो आपका लिबरेशन वॉर हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो 16 दिसंबर 1971 को फाइनली उनको विक्ट्री मिल गई थी। एक बात याद रखिएगा सर, नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है। नेशनल एनिमल कौन है? तो सर वो है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। तो सर ये हो गया पूरा स्टैटिक अपना रिगार्डिंग बांग्लादेश, तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने डिस्कस कर लिया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नितेश सर कह रहे सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? वेरी गुड मॉर्निंग अनूप सर। सर देखो पीडीएफ का तरीका बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर पीडीएफ चाहिए ना तो परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। देखो जब व्हेन आई एम हेयर नो नीड टू फियर, व्हेन आई एम हेयर नो नीड टू फियर। देखो पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगा महिंद्रा गुरु के ऊपर। महिंद्रा गुरु वेबसाइट है, उस पर चले जाना, मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? मैं दो पीडीएफ डलवा दूंगा, या तो कम से कम एक तो डलवा ही दूंगा। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका, देखो जो मैं आपका यहाँ पर लिख रहा हूँ पेन से वो नहीं मिलेगा, जो पहले से प्रिंटेड है वो मिलेगा। तो जो आपका एनोटेशंस है जो मैं लिख के बता रहा हूँ उसको आप कॉपी करते रहा करो, और जो प्रिंटेड पहले से है आपका पीपीटी के अंदर सर वो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप एज इट इज वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको सर ये डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में, वहीं से उसका स्टोर करते रहिए, वहां से उसको पढ़ लीजिए। और एक मैं आपको दे दूंगा छोटे फॉर्मेट में, कोशिश करूंगा छोटे फॉर्मेट में दे दूं, जहां से आप करंट अफेयर्स वगैरह भी देख सकते हैं। कम से कम आपको मतलब कम से कम आपको मैं एक को दे ही दूंगा। तो महिंद्रा ग्रुप पे जाइएगा और वहां से पीडीएफ को पूरा एक्सेस कर सकते हो, राइट सर? चलो फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हम आगे से आगे बढ़ते समझते हैं सर, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च मंथ। सर मार्च मंथ बीत चुका है सर, उसके इंपॉर्टेंट डेज सर एक बार देख सकते हैं, बिकॉज अब अप्रैल मंथ शुरू हो रहा है और अब सर इंपॉर्टेंट डेज आएंगे अप्रैल मंथ के। तो सर अब बहुत जल्दी देखते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेज, हम रोज रिवाइज करते हैं। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हेयरिंग डे, थीम था हेयरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हेयरिंग लॉस लिमिट यू। 7 मार्च को बनाया गया, हमने अपने आप बनाया था जन औषधि डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, थीम था जनरेशन इक्वालिटी। 12 मार्च वर्ल्ड किडनी डे, थीम था प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। सर दोहराते रहो मेरे साथ तो याद हो जाएगा यहीं पर। 14 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स, थीम है वोमेन वाटर क्लाइमेट चेंज। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर। 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, थीम हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 21 मार्च आपका 21 मार्च को 3 चीज़ें हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोल्ट्री डे। फॉरेस्ट्री का फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, डाउन सिंड्रोम का वी डिजायर। और सर अगर आगे बढ़ें तो 22 मार्च का वर्ल्ड वाटर डे, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और 23 मार्च का उल्टा कर देना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, क्लाइमेट एंड वाटर कर देना है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे, थीम थी इट्स टाइम। और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। तो सर मार्च के डेज मैंने आपको रोज रिवाइज कराए हैं, होपिंगली आपको अब तक याद हो गए होंगे। सर अब बढ़ते हैं अपने कल के होमवर्क की तरफ। तो सर ये मुझे देख के खुशी हुई कि कल काफी बच्चों ने कमेंट पर रिप्लाई करा सर भारत बिल पे क्या होता है, फैंटास्टिक। मतलब स्टूडेंट्स ऐसे ही लगे रहना है, अगर होमवर्क मिले तो सर उस पर डिस्कशन तो करना बनता है ना भाई, मतलब होमवर्क का मतलब क्या, अगर डिस्कशन नहीं करोगे तो। तो सर आज का होमवर्क भी आपको डिस्कशन करना है, और जल्दी से देखते हैं भारत बिल पे क्या है। तो भारत बिल पे का मतलब आपको यहाँ पर निकल कर आता है, ये कंसेप्ट है जो कि आरबीआई ने दिया था। इट इज अ कंसेप्ट गिवन बाय आरबीआई, इसको बनाया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर हम एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, चाहे भीम हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे एनईपीसी हो, हम रोज एक प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, एनपीसीआई के ही प्रोडक्ट होता है वो, तो मेड बाय एनपीसीआई। सर देखो उसमें कीवर्ड क्या है, सर इसमें कीवर्ड है ये एनी टाइम एनी वेयर, एनी टाइम एनी वेयर, सर ये है इसका कीवर्ड। सर कभी भी और कहीं भी, कभी भी और कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हो, ये एक बिल पेमेंट सर्विस है। सर क्या है ये एक बिल पेमेंट सर्विस है, आप अपने मोबाइल वॉलेट से, अपने मोबाइल वॉलेट से, अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हो अक्रॉस ऑल इंडिया विद सर्टेनिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। यानी कि आप सर्टेन हो जाओगे, रिलायबल रहोगे और सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा। और भारत बिल पे क्या है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल रिकरिंग पेमेंट। यानी कुल मिलाकर भारत बिल पे एक पेमेंट करने का प्लेटफॉर्म है, कंसेप्ट आरबीआई ने दिया था, बनाया आपका एनपीसीआई ने है, और कीवर्ड है एनी टाइम एनी वेयर। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि एनी टाइम एनी वेयर पेमेंट करने का प्लेटफॉर्म जो कि एनपीसीआई ने बनाया वो क्या है। एनी टाइम एनी वेयर
बिल पेमेंट करने का प्लेटफॉर्म जो बनाया एनपीसीआई ने वो क्या है? तो सर वो है भारत बिल पे। आई थिंक अब तक क्या था बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सुशील सर गुड मॉर्निंग, भारती मैम गुड मॉर्निंग, फैंटास्टिक सर। सर देख रहा हूँ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो सर बस वीडियो को शेयर और लाइक इतना आप करिए, बाकी मैं कर रहा हूँ। अब सर जल्दी से बढ़ते हैं अपने प्रीवियस सेशन के रिवीजन की तरफ। हमारा आ चुका है सर एमसीक्यू। सर धुआंधार बैटिंग करनी है एकदम बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से। सर पहला क्वेश्चन, सदानंद गौड़ा, सदानंद गौड़ा इज कंट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, ही इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? सदानंद गौड़ा देश के रासायनिक और उर्वरक मंत्री हैं, वे किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अमन यादव सर पीडीएफ मिलेगा mahindraguru.com पर, जल्दी से बताओ सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सदानंद गौड़ा को जल्दी बताइए सर क्विकली। तो सर आंसर आना शुरू हो चुके हैं। डीके सर आंसर कर रहे हैं 3, रमेश सर कर रहे हैं 3, साक्षी यादव कर रही हैं गुड मॉर्निंग सर, विकास सर कर रहे हैं 3, हसन सर कर रहे हैं 3, मनीष सर कर रहे हैं 1। जरा देखिए सर यहाँ पर ही फंसते हैं। देखो अगर हमसे सिर्फ कह देता सर बैंगलोर लखनऊ तो हम आराम से बात कर लेते। अगर सर मान लो तो कुछ से पहुंचे दे देते ना बैंगलोर लखनऊ नोएडा, तो पता है सर ये साउथ से आते हैं सर बैंगलोर मार्क कर लेते हैं। अब सर बैंगलोर के अंदर क्या, अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, समझिएगा मेरे संग बहुत ध्यान से। सर बैंगलोर के अंदर नॉर्थ बैंगलोर, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कल पूछा था आपसे अर्जुन मुंडा साहब के लिए, तो कुनती झारखंड। सर पेपर में इतना ब्रीफ आपका इतना डिटेल में पूछेगा, ब्रीफिंग नहीं चल चलना है पर डिटेल जाना पड़ेगा। सर बैंगलोर से आते हैं तो कहाँ से? नॉर्थ बैंगलोर, नॉर्थ आपका बैंगलोर से। सर अगर मैं बात कर रहा हूँ सर बैंगलोर की, देखो सर बेटा बहुत ध्यान से, बैंगलोर बैंगलोर क्या है सर? कैपिटल है किसकी? कर्नाटक की। बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर क्या है सर? बैंगलोर हमारी सिलिकॉन वैली है। बैंगलोर क्या है? स्पेस सिटी ऑफ इंडिया है। बैंगलोर क्या है? स्टार्टअप सिटी ऑफ इंडिया है। बैंगलोर क्या है? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है। बैंगलोर की बात करें तो सर बैंगलोर में सर कर्नाटक का कैपिटल है ये। सर कर्नाटक के सीएम कौन है? सर येदियुरप्पा साहब हैं। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो येदियुरप्पा हैं। और वाजू भाई, वाजू भाई सर यहाँ का क्या है सर? आपके वहाँ के गवर्नर हैं। तो वाजू भाई गवर्नर है, येदियुरप्पा वहाँ के सीएम है। स्पेस आपका स्पेस का हब है, स्टार्टअप है आपका, कहते हैं सिलिकॉन वैली है और गार्डन सिटी है। सर कौन है? बैंगलोर है। और हम बढ़ते जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कम्स इन विच ईयर? सर से बताइए सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस साल आया था? 16 में, 15 में, 17 में, 18 में, 14 में? इंसॉल्वेंसी कल की क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं सर। अनूप सर आपका पढ़ा हुआ है आपका यूट्यूब पे कोई क्लास, उनको जाकर देख लीजिएगा। जल्दी से बताओ सर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड किस साल आया था? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड किस साल? 16 में, 15 में, 17 में, 18 में, 14 में? सर ये तो इजी क्वेश्चन है सर, आंसर 5 सेकंड में, इसका आंसर 5 सेकंड में सर, इसका आंसर 5 सेकंड में। जल्दी बताओ सर इसका आंसर 5 सेकंड में। वर्तक यादव कह रही है 1, सचिन यादव कह रहे हैं 2015 में। सर सर देखो इसका जो आंसर है ना सही, इसका तो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 2016। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कम्स इन विच ईयर? 2016 में सर आया था। तो सर समझिए बहुत ध्यान से सर, यहाँ पर एक फाइनेंशियल टर्म सर, जो आज फाइनेंशियल टर्म डिस्कस करने वाले ना हम लोग आज फाइनेंशियल टर्म डिस्कस करेंगे, जो आज फाइनेंशियल टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे सर वो होगा IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सर जुड़े रहिएगा, फाइनेंशियल टर्म में बताऊंगा आज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये जो है ये है कोड। तो इसी कोड की वजह से क्या आया था? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड आया था, डिस्कस करूंगा आपसे मैं आज, और सिर्फ आया था 2016 में। समझने वाली पर बात क्या है? तो समझने वाली यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जो डेटर्स मनी है, डेटर्स मनी पर क्रेडिटर्स का अधिकार आ जाता है। डेटर्स मनी किसका हो जाता है? क्रेडिटर्स का हो जाता है। तो सर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड करता क्या है कि जो पैसा आपको मिलने वाला होता है ये वो पैसे पे अधिकार किन लोगों का कर देता है? उन लोगों का कर देता है जिनको पैसा देना है। तो जिनको पैसा देना है उनके पास अधिकार चला जाता है उस पैसे को रखने का जो पैसा आपको मिलना था। तो ये सब 2016 में हुआ। सर 2014 की बात करें, सर 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सर हमको दो इंश्योरेंस मिलते हैं। सर पहला इंश्योरेंस हमको मिलता है सर, वो हमको मिलता है यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो हमको मिलता है 30,000 रुपये का। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आई थी,
सर इसके अंदर हमको मिलता है दो इंश्योरेंस, एक मिलता है एक्सीडेंटल और एक मिलता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सर है आपका 30,000 का, एक्सीडेंटल आपका है 1,00,000 का, सर याद रखिएगा ठीक है। तो सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरा याद रखने वाली बात ये है कि सर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बताऊंगा फाइनेंशियल फैक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन फटाफट आ जाओ, विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ओरियंट सी, विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ओरियंट सी, फटाफट बता दो विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ओरियंट सी, जल्दी से बताओ, पर्ल ऑफ द ओरियंट सी, पर्ल ऑफ द ओरियंट सी। तो सर देख रहा हूं सर आंसर बहुत सारे आ रहे हैं, मैंने पूछा था आपसे सर पर्ल ऑफ द ओरिएंट सी, तो यहां पर आंसर आना शुरू हो चुके हैं फोर डी 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 डी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हमें आंसर आ चुके हैं फिलीपींस, सर इसका सही आंसर है फिलीपींस, फैंटास्टिक। सर पर्ल ऑफ द ओरिएंट सी सर आपका फिलीपींस, हमने कब से कल पूछा था, लैंड ऑफ राइजिंग सन, सर लैंड ऑफ राइजिंग सन था आपका जापान, लैंड ऑफ राइजिंग सन था जापान, और फिलीपींस से आपका पर्ल ऑफ द ओरिएंट सी। सर हम बात करेंगे मंगोलिया, तो लैंड ऑफ ब्लू स्काई, मंगोलिया क्या है, तो मंगोलिया है लैंड ऑफ ब्लू स्काई, लैंड ऑफ ब्लू स्काई मंगोलिया हो जाता है। दूसरी बात अगर करिएगा इंडोनेशिया आपका इमरल्ड, इमरल्ड ऑफ द इक्वेटर, इमरल्ड ऑफ द इक्वेटर, इमरल्ड ऑफ द इक्वेटर, इमरल्ड ऑफ द इक्वेटर, ये आपका हो जाता है इंडोनेशिया। नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया को मैंने कल ही बताया था आपका हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम यानी सर ऐसी किंगडम जहां पर आपका जानबूझकर हमने देश को दुनिया से पूरा काट रखा है, तो ये हो गई आपकी हर्मिट किंगडम। सर एक आइसोलेशन का कंट्री है हर्मिट किंगडम, कहते क्लोज इकोनॉमी है, और आपका इमरल्ड, इमरल्ड ऑफ द इक्वेटर, इमरल्ड ऑफ द इक्वेटर इंडोनेशिया कहते हैं। और इंग्लैंड क्या है, सिटी आपका कंट्री ऑफ होप्स, कंट्री ऑफ होप्स, कंट्री ऑफ होप्स, तो इंग्लैंड क्या हो गया कंट्री ऑफ होप्स। और सर आपका फिलीपींस क्या है, फिलीपींस आपका जाता है पर्ल ऑफ द ओरिएंट सी, और सर फिलीपींस में सर हेडक्वार्टर है एडीबी का, सर फिलीपींस में हेडक्वार्टर है एडीबी का, और सर एडीबी, एडीबी के ऊपर एक मैं न्यूज लेकर आया हूँ, अभी डिस्कस करूंगा करंट अफेयर सेक्शन में, तो फटाफट बढ़ते हैं मुझे बताइए जैसे अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकेम द 30th मेंबर ऑफ द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सर क्वेश्चन बन गया है, सर क्वेश्चन बन गया नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सर ये बन गया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सर क्वेश्चन बन गया पेपर में नाटो का फुल फॉर्म क्या, फटाफट बताइए सर नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म तो हो गया, कंट्री कौन सी है, कंट्री कौन सी, जल्दी से बताओ सर कंट्री कौन सी है, सर आंसर आना शुरू हो चुके हैं डी 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 डी, सर एकदम सही फैंटास्टिक, मतलब पढ़ रहे हैं आप लोग फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सर इसका आंसर आ चुका है सर डी, नॉर्थ आपका मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया सर एक कंट्री है आपका कह सकते हैं यूरोप में, जो को स्लाविया से अभी अलग हुई है, और सर बात करी जाए आपका तो सर यह कंट्री जो है सर ये एक लैंड लॉक कंट्री है, सर समझिएगा बहुत दिन से नॉर्थ मैसिडोनिया की हम बात करते हैं, सर यहाँ पर ये एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ठीक है। सेकेंड चीज सर क्या कैपिटल, इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है स्कॉपजे, इसकी कैपिटल हो गई स्कॉपजे, सर इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो सर इसके प्रेसिडेंट यहाँ पर निकल कर आके आ जाएंगे स्टीफो, स्टीवो पेंडा रोबिस्की, सर पेंडा रोबिस्की इसके प्रेसिडेंट हो गए, और सर इसके पीएम कौन है, तो सर इसके पीएम निकल कर आते हैं ओलिवर, ओलिवर स्पासोबिस्की। तो सर जो नॉर्थ मैसिडोनिया है उसकी कैपिटल है स्कोपजी, प्रेसिडेंट है स्टीवो पेंडारोविस्की, प्राइम मिनिस्टर है ओलिवर स्पासोविस्की, और सर ये कंट्री है लैंडलॉक कंट्री है, और सर ये आपका यूरोप में कंट्री आती, अभी सर इसको 30th देश के तौर पर नाटो में जोड़ा गया है। अब सर आपके सर मन में सवाल आ रहा होगा ये नाटो है क्या, सुना तो मैंने बहुत है, जल्दी सर आइए सर देखते हैं नाटो क्या है,
अगर नाटो की बात कर रहा हूँ तो नाटो इज एन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सर। ये देखो, ये इसका लोगो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना रखा है, ये इसका लोगो है। और सर ये यहाँ पर एक तो सिंपल फंडामेंटल है सर, अगर आप किसी बाहरी देश ने हम पे अटैक करा या जो हमारी जो 30 कंट्रियां उन पे अटैक करा, तो सर यहाँ पर हम म्यूचुअल डिफेंस करते हैं, हम सब यहाँ पर उसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। तो म्यूचुअल डिफेंस का कंसेप्ट है, मतलब सिंपल सी बात है भाई, हम 4 लोग हैं, हम 4 लोग मिल गए, हमने कहा अगर किसी एक को भी किसी ने मारा तो हम चारों मारेंगे मिलकर। तो सर वही हो गया नाटो का सर संगठन का मतलब, कि अगर किसी एक कंट्री पे भी आ चाहती जो इनका मेंबर है तो ये सब आकर टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। हेडक्वार्टर का तो हेडक्वार्टर इसका सर ब्रुसेल्स के इवरी में, तो ब्रुसेल्स के इलाका इवरी में है, और सर बेसिकली आप बोल सकते हो ब्रुसेल्स बेल्जियम इतना चल जाएगा। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है हेडक्वार्टर आपका नाटो का, और 30 कंट्री इसका पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक आपका अलाइंस है। ये बात समझ में आ गई? तो सर ये बना कब था? तो सर ये बना था, जैसे ये भी जान लो, उसकी बनता है 4 अप्रैल को, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, ये बना था 4 अप्रैल को 1949 में। और सर इसके जो तो सेकेंडरी जनरल है सर वो है जीन्स स्टॉर, इनको मैं ऊपर लिख देता हूँ नहीं आगे भाग जाएगा बार बार। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके जो तो सेक्रेटरी जनरल है माय डियर स्टूडेंट सर वो है जीन्स स्टॉल टन बर्ग। तो सर जीन्स स्टॉल टन बर्ग, जीन्स स्टॉल टन बर्ग ये इसके सेक्रेटरी जनरल है, बना था 1949 में। और सर नॉर्थ मैसेडोनिया भी इसमें नया कंट्री जोड़ा गया, जो कि आपका जिसका कैपिटल है स्कॉपजे, और सर वो एक आपका कहते हैं यूरोपियन कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान, ईरान के फुटबॉल फेडरेशन के सर किसको जोड़ा गया है एज अ सेक्रेटरी जनरल, जल्दी से बताइए। सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर किसे जोड़ा गया है सर? ईरान के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर एज अ फुटबॉल फेडरेशन में किसे जोड़ा गया है? सर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं तो काफी जोर से बोल रहा हूं सर, मैं धीमा कभी बोलता ही नहीं हूं। हाँ तो सर जल्दी से बताइए, आपका सेक्रेटरी जनरल ऑफ फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान कौन है? फिर इसका आंसर आना शुरू हो चुका है, 3-3-3-3-3-3 आया। इधर जीत सर कह रहे हैं 4, सुशील सर कह रहे हैं 2, अमित सर कह रहे हैं 2, विकास सर कह रहे हैं, सचिन सर कह रहे हैं 2। सर देखो इसका तो सही आंसर है सर, बहुत ध्यान से पढ़ लो सर, इसको याद करके जाना, इसका आंसर है मोहम्मद नबी। सर इसका आंसर है मोहम्मद नबी, मोहम्मद नबी को बनाया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान। जरा समझो बहुत ध्यान से, यहाँ पे देखो एक नाम लिखा है सर, नाम लिखा है हैदर आपका भारवन, तो जो आपके यहाँ पे नाम लिखा ना हैदर वाला सर, ये है प्रेसिडेंट सर, ये है प्रेसिडेंट, ये है प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान। तो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान जो कि बनता है 1920 में, तो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान ये बनता है, फुटबॉल फेडरेशन ईरान का बनता है 1920 में, इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं मोहम्मद नबी, प्रेसिडेंट कौन है? हैदर आपका भारवन। अगर सर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सर, तो इंडिया में भी है, इंडिया का भी अपना है फेडापा कहते हैं फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। तो इंडिया वाला सर कब बना था? इंडिया वाला बना था 1937 में सर, प्रफुल पटेल इंडिया वाले के हेड हैं। और सर मजे की बात बताऊं, सर मजे की बात यहाँ पर ये है, समझो बहुत ध्यान से देखो, इसमें देखो ये इधर देखो सर, ये जो अपना फुटबॉल वाला है ना, चाहे ये ईरान वाला हो, ईरान का जो फुटबॉल फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन जो ईरान का है और जो इंडिया का है, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं सर? ये दोनों ही पार्ट हैं एशिया फुटबॉल फेडरेशन के, एशिया फुटबॉल फेडरेशन के, एशिया फुटबॉल फेडरेशन के दोनों ही पार्ट हैं। एशिया फुटबॉल फेडरेशन आपका हेडक्वार्टर है मनीला में, एशिया फुटबॉल फेडरेशन मनीला में है सर। और वन एशिया, वन एशिया वन गोल, वन एशिया वन गोल इसका टैगलाइन है। और 1954 में बना था एशिया फुटबॉल फेडरेशन, और सर आपका यहाँ पर कहते हैं सलमान, सलमान इसके प्रेसिडेंट है, पूरा नाम मत जानिएगा, सलमान मार्क कर लीजिएगा, सलमान सब टेक मार ले जाएंगे। फंडामेंटल क्या आया सर? क्वेश्चन था फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, तो बने हैं मोहम्मद नबी। सर प्रेसिडेंट कौन है? सर प्रेसिडेंट है दूसरे वाले आपका हैदर
हैदर साहब इसके, हैदर भारवंग ये इसके प्रेसिडेंट हैं फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान के। ये ब्रदर 1920 में सर लगे हाथ, हमें जान लिया इंडिया का भी। तो इंडिया के जो फेडरेशन है वो बना है 1937 में। प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल सर इसके हेड हैं। और सर दोनों ही, चाहे वो ईरान वाला हो चाहे इंडिया वाला हो, दोनों ही मेंबर किसके हैं, एशियन फुटबॉल फेडरेशन के, जिसका हेड है जो अक्का, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। गोल है वन एशिया वन गोल, और सर मोट बेसिकली मोटो है वन एशिया वन गोल, 1954 में बना था। और सर सलमान साहब इसके कौन है, आपका कहते हैं इसके हेड हैं, तो सलमान इब्राहिम खलीफा करके नाम है, आप सब सलमान याद रख लो, ये इसके हेड हैं। तो सर हमने एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पढ़ लिए, अगर सर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ फटाफट हम सब करके। यस सर, हमको पूरी बात समझ में आ गई है, और हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर आ चुका है, हो संग सॉन्ग वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द कंपनी रिसेंटली। हो संग सॉन्ग को हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया, बताइए क्विक। तो सर यहां पर आंसर आ रहे हैं, इंडिया वाला रिपीट कर दीजिए। चलो सर फटाफट रिपीट कर, देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, 1937 ने बना था, हेड थे प्रफुल्ल पटेल। बात क्लियर हो गई प्रफुल्ल पटेल। और सर इंडिया और ईरान दोनों ने मिलकर, दोनों बेसिकली मेंबर हैं एशियन की, तो मनीला हेडक्वार्टर है, और सर इस्लाम सलमान इब्राहिम खलीफा उसके हेड हैं। 1954 में बना था, और सर मोटो है वन एशिया वन गोल। ओके ये सर हो सुन सॉन्ग कहाँ के हैं सर, आंसर आ रहा है 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2। सर देखो ये जो अपने हो संग सॉन्ग हैं सर, ये हैं अपने किया मोटर्स के, सर अपने किया मोटर्स के हैं हो संग सॉन्ग, समझते बहुत ध्यान से। जो बेटा आपकी किया मोटर्स है, किया मोटर्स बेसिकली एक साउथ कोरियन कंपनी है, ये एक साउथ कोरियन कंपनी है सर, इसकी पैरेंट कंपनी है हुंडई। सर इसकी जो पैरेंट कंपनी है सर, इसकी पैरेंट कंपनी है हुंडई। जब हुंडई मोटर्स देखते हो सर, वो उसकी पैरेंट कंपनी है। और अगर बात करी जाए तो सर यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है सियोल में, सर इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया के सियोल में। और किम च्योल हो ये इसके हेड है, तो किम च्योल हो ये आपका किया मोटर्स के हेड हैं, आपका साउथ कोरिया की कंपनी है, और पैरेंट कंपनी इसकी है हुंडई। और सर सियोल में किया मोटर्स का हेडक्वार्टर है, सियोल में किया का, सियोल साउथ कोरिया सियोल में किया का हेडक्वार्टर है। तो सर अभी हाल ही में हो सुंग स्वांग को जोड़ा गया है किया मोटर्स के अंदर एज अ प्रेसिडेंट। बात समझ में आ गई, बिल्कुल फैंटास्टिक। अंकित सर आप राइट थे, बिल्कुल सही, आप राइट होंगे, बिल्कुल सही राइट होंगे सर। इन विच ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मिनिमम अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन 1 लाख। जल्दी से बताओ सर, जल्दी से बताओ, किस मुद्रा बाजार साधन के न्यूनतम राशि 1 लाख से कम नहीं हो सकती। देखो सर अगर आपको पढ़ना है मार्केट में कैपिटल मार्केट, सर अगर आपको पढ़ना है सर मार्केट में कैपिटल मार्केट, अरे अगर क्यों यार, सबको पढ़ना चाहिए ना, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर देख रहे हो FD पर, RD पर, या कहते हो NSE पर, सर सब पे सरकार ने आपका कहते हैं इंटरेस्ट घटा दिया है, तो कहाँ निवेश करोगे सर आप? FD RD पर निवेश तो बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपको निवेश करना पड़ेगा शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट सर आता है कैपिटल मार्केट के अंदर, तो सर कैपिटल मार्केट क्या है सर? पेपर के बॉन्ड तब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर प्रैक्टिकल लाइफ में सर निवेश करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर कैपिटल मार्केट पढ़ने के लिए मुझसे जुड़ो कि आज GA के सेशन में 2 बजे। सर GA के सेशन में यार तुम लोग आते नहीं हो, मैं तुम लोग से बार बार कहता हूँ आया करो। कैपिटल मार्केट सर देखो SSC का भी पार्ट है, कैपिटल मार्केट देखो बैंक का भी पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट को पढ़ने के लिए शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, बॉन्ड क्या है, सबको समझाऊंगा डिटेल्ड में। इन सबको समझने के लिए सर GA सेशन में आओ 2 बजे। अभी फटाफट बताओ सर कौन सा ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर 1 लाख से कम पूंजी नहीं हो सकती। सर आंसर आना शुरू हो चुका है, कमर्शियल पेपर। महेंद्र कुमार सर आंसर कर रहे हैं कमर्शियल पेपर। सर देखो फटाफट समझो सर, इसका जो सही आंसर है सर वो आंसर है आपका COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल अगर बात करो देखो ट्रेजरी बिल, एक बात समझना बहुत ध्यान से सर, देखो ट्रेजरी बिल जो होता है, ट्रेजरी बिल आपका सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। ट्रेजरी बिल इज द मोस्ट सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कोई क्वेश्चन बनते पेपर में मोस्ट सिक्योर्ड, तो सर ट्रेजरी बिल
मोस्ट अनसिक्योर्ड, मोस्ट अनसिक्योर्ड सर जो है वो है कमर्शियल पेपर। मोस्ट अनसिक्योर्ड सर वो होता है कमर्शियल पेपर। सर कमर्शियल पेपर सर 5 लाख रुपए से कम का इशू नहीं हो सकता है। तो सर अपना आंसर गलत हो गया, बिकॉज आपसे पूछा था 1 लाख। तो सर यहाँ पर आ गया सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर इसको बैंक इशू करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। बैंक इशू करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करेंगे, और सर ये मिनिमम 1 लाख रुपए का तो होना ही चाहिए। 7 दिन से लेकर ये 1 साल तक के लिए इशू हो सकता है। 7 दिन से लेकर आपका ये 364 दिन के लिए इशू हो सकता है। लेकिन सर ये कम से कम 1 लाख रुपए का तो इशू होना ही चाहिए। तो सर ये हो गया अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसका सही आंसर। और सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? तो मैं तो जीरो कूपन बॉन्ड की बात करता हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो का मतलब क्या है? शून्य। कूपन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड सर ऐसा बॉन्ड जहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, ऐसा बॉन्ड जहां इंटरेस्ट नहीं मिलता डिस्काउंट पे इशू होगा। डिस्काउंट पर इशू होता है और सर फेस वैल्यू पर रिडीम होता है। डिस्काउंट पर इशू होगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं, डिस्काउंट पर इशू होता है और फेस वैल्यू पे रिडीम होता है। तो सर ये हो जाता है अपना जीरो कूपन बॉन्ड। ये सारी बातों को डिटेल्ड में समझने के लिए सर आपको आना पड़ेगा जीए के सेशन में 2 बजे, फिर वहीं पढ़ाऊंगा सर जीए के में डिटेल्ड में। बात समझ में आ गई सर? फैंटास्टिक। चलो जल्दी से आगे बात करते हैं सर। जरा समझे, मैंने कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी डाले हैं आप लोगों के लिए सर। स्टैटिक क्वेश्चन पहला फटाफट देखो, हु हैज रिटन द बुक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पी चिदम्बरम ने लिखी है, नवीन चावला ने लिखी है, मिस्टर सूरी ने लिखी है, रघुराम राजन ने लिखी है, इनमें से किसने नहीं लिखी है? सर पेपर में स्टैटिक भी आएगा, पेपर में स्टैटिक भी आएगा सर। एक क्वेश्चन आपका इससे भी आएगा, किससे? बुक्स वगैरह से भी। मैं रोज एक बुक पूछता हूँ सर, जल्दी से बता दो। सर दत्ता मैम कह रही है आपका जीए लगता है, बिल्कुल सर। आप क्या करोगे? आप महिंद्रा गुरु पे जाना, मैं बता रहा हूँ। देखो महिंद्रा गुरु पे जाना सर, आप जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाना आप लोग। और सर इसमें देखना सर आपका जीए की स्पेशल क्लास देखना सर, आपको उसमें मिल जाएगा सर, उसमें आपको मिल जाएगा सर जीए के लेक्चर। सारे लेक्चर अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जाकर जरूर देखिएगा। और सर मैंने 16 मार्च को मैंने सर बजट का सेशन लिया था, 2 घंटे का सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। तो सर एक बार 16 मार्च का बजट का सेशन जरूर देख लीजिएगा। हर पेपर में सर बजट से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं, ठीक है। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड में जीरो कूपन बॉन्ड, रश्मिता दास मैम देखो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा जीरो, तो जीरो मतलब शून्य और सर कूपन मतलब इंटरेस्ट। तो सर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड सर ऐसा बॉन्ड सर जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता था। तो क्या मिलता है? देखो ये मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, तो 100 रुपए पे इशू नहीं करते, इशू करते हैं 98 पर, मतलब सर डिस्काउंट पे इशू करेंगे। और सर जब आप मान लीजिए आपका टेन्योर पूरा हो गया, मतलब आज मैंने 1 अप्रैल को 98 रुपए दे के माल ले लिया, जो माल 100 रुपए का था, आरबीआई ने मेरे को बॉन्ड दिया और सर 100 रुपए का बॉन्ड उसने मुझे 98 में ही दे दिया, मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ। और जब मान लीजिए मैं 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब आरबीआई के पास गया, सर मेरा ये पैसा मुझे वापस कर दो, अपना बॉन्ड का टुकड़ा, अपने बॉन्ड का कागज ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो, तो आरबीआई मुझे 100 रुपए दे देगा। तो सर रिडीम कितने पे हो रहा है? तो रिडीम हो रहा है फेस वैल्यू पे, ये फेस वैल्यू थी, तो फेस वैल्यू पर रिडीम हुआ है और इशू डिस्काउंट पर हुआ है। इसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कोई आपको अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बस आपके बॉन्ड की वैल्यू से नीचे उसको इशू करा जाएगा। तो वही तो कह रहा था, इसको डिटेल्ड में समझने के लिए जीए क्लास में आना पड़ेगा। क्लास में आ गई? अभी मैं कल तक उन्हें पूरा समझा दिया होगा। फटाफट बताओ अनडॉन्टेड वाला कहानी क्या है? सर क्लासेस की टाइमिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं सर, बता देंगे, कोई टेंशन नहीं, जुड़ा रहो भी बता देंगे आपकी टाइमिंग क्या जा रही है। मुझे फटाफट बताइए सर, किया मोटर का हेडक्वार्टर सर साउथ कोरिया, एकदम सही है। इसका अनडॉन्टेड वाले का आंसर क्या था? नवीन चावला सर आंसर आ रहा है। सर देखो इसका जो सही आंसर है सर वो है अपने पी चिदम्बरम साहब, समझो बहुत ध्यान से। पी चिदम्बरम साहब अपने पूर्व वित्त मंत्री, और सर 9 बार उन्होंने बजट पेश करा है, 9 टाइम्स उन्होंने बजट पेश करा है, समझे इस बात को। तो सर ये जो पी चिदम्बरम है सर, इन्होंने किताब सर और कौन कौन सी लिखी है? स्टैंडिंग गार्ड। सर पी चिदम्बरम साहब ने किताब लिखी है स्टैंडिंग गार्ड, ठीक है। पी चिदम्बरम साहब ने किताब लिखी है ट्रुथ टू पावर किताब लिखी है इन्होंने। सर पी चिदम्बरम साहब ने किताब एक और लिखी, हम लोग बोलते हैं फियरलेस अपोजिशन।
फियरलेस अपोजिशन। तो सर फियरलेस अपोजिशन हो गया, ट्रू टू पावर हो गया और स्टैंडिंग गार्ड हो गया, तीनों लिखी किसने? पी चिदंबरम साहब ने लिखी है। अगर सर मैं बात करता हूँ आपका यहाँ पर रघुराम राजन साहब की, तो रघुराम राजन साहब ने क्या लिखा है सर? उन्होंने किताब लिखी है थर्ड पिलर किताब लिखी है और फिर किताब लिखी है आई डू वॉट आई डू, आपने शायद सुना भी होगा आई डू वॉट आई डू, ये भी किताब इन्होंने लिखी है। और सर फॉल्ट लाइन्स किताब भी आपका लिखी है रघुराम राजन साहब ने, अगर बात करूं नवीन चावला ने किताब लिखी है एवरी वोट काउंट, नवीन चावला साहब ने किताब लिखी है एवरी वोट काउंट, उन्होंने किताब लिखी है। और सर मिस्टर सूरी ने किताब लिखी है खूनी वैसाखी, किताब लिखी है मिस्टर सूरी ने। तो सर मिस्टर सूरी ने लिखी है खूनी वैसाखी, आपका नवीन चावला साहब ने लिखी है एवरी वोट काउंट, पीछे तमाम साहब ने लिखी है आपका अनडॉन्टेड सिविल द आइडिया ऑफ इंडिया, सर स्टैंडिंग गार्ड भी लिखी है, ट्रूथ टू पावर भी लिखी है, फियरलेस अपोजिशन भी लिखी है, रघुराम राजन ने लिखी है थर्ड पिलर, आई डू व्हाट आई डू और फॉल्ट लाइंस। तो सर ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना, पेपर में क्वेश्चन बनेगा। और आप मुझे बता रहे हो सर जो देश के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू ने दो किताबें लिखी हैं सर, दोनों का आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोनों के मुझे नाम बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। वेंकैया नायडू साहब ने दो किताबें लिखी हैं, एक लिखी थी अपने पहले टेन्योर में और एक लिखी दूसरे टेन्योर में। तो वेंकैया नायडू ने कौन कौन सी दो किताबें लिखी हैं मुझे फटाफट बताओ अपने कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दो। ईवीसी का मतलब होता है एवरी वोट काउंट्स, ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो कि सर वेंकैया नायडू ने कौन कौन सी किताब लिखी है। और हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वेयर इज चंदोली नेशनल पार्क, फटाफट बताओ चंदोली नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, तमिलनाडु, कहां पर है? गुड मॉर्निंग, डीके सर कह रहे हैं लर्निंग लीडिंग, फैंटास्टिक डीके सर, फैंटास्टिक। दत्ता मैम कह रही है आपका, कह रहे हैं दत्ता जी कह रहे हैं फॉरवर्ड, फैंटास्टिक। सर देखो थोड़ा इको हो रहा होगा बिकॉज सर मैं घर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा सर कॉपरेट करना पड़ेगा बिकॉज सर घर है, स्टूडियो नहीं है, थोड़ा बहुत इको वगैरह हो सकता है। तो सर जल्दी से समझ लो सर, लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, वेंकैया नायडू ने दो किताबें लिखी थी, देखो समझो, लिसनिंग लर्निंग लीडिंग। सर ये वेंकैया नायडू ने दो किताबें, एक किताब तो ये लिखी है, ये पूरी एक किताब है। और सर मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, सर ये किताब भी लिखी है वेंकैया नायडू ने। सर दो किताबें हो गई, लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ये दो किताबें लिखी हैं हमारे आपका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब ने। और सर चंदोली कहाँ पर है? चंदोली सर आ रहा है महाराष्ट्र, फैंटास्टिक सर, चंदोली है महाराष्ट्र में, फैंटास्टिक गुड सुपर। देखो फटाफट समझो मेरी बात को, सर हम लोग आज डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र की ट्रिक, सर आज हम लोग डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र की ट्रिक। तो महाराष्ट्र की सर देखो ट्रिक क्या है, कॉपी पेन लेके फटाफट बैठ जाओ, ये ट्रिक आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, तो फटाफट समझो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, संजय चंदन तत्काल गूंगे के साथ 5 बजे महाराष्ट्र में उसके गांव गए। तो सर संजय चंदन तत्काल गूंगे के साथ 5 बजे महाराष्ट्र में उसके गांव गए। अब सबको सर इसका फंडामेंटल क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, आपका सर तत्काल से आया टडोबा नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। सर गूंगे से आया गूंगामल बेसिकली, गुआकर से आया गूंगामल नेशनल पार्क। सर पांच से आया पेंच नेशनल पार्क। सर महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र आ गया, और सर गांव से आया नवे गांव नेशनल पार्क। तो कुल मिला के बाहर से पूरी बात समझ में आ गई होगी, संजय चंदन तत्काल गूंगा के साथ 5 बजे महाराष्ट्र में उसके गांव गए।
संजय चंदन तत्काल गूंगा के साथ 5 बजे महाराष्ट्र में उसके गांव गए। संजय चंदे गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तत्काल से टडोबा नेशनल पार्क, गूंगे से गूगा मल नेशनल पार्क, 5 से पेंच। अब देखो पेंच दो जगह है, पेंच आपका मध्य प्रदेश में भी है और पेंच आपका महाराष्ट्र में भी है, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। तो पेंच नेशनल पार्क सर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र आ गया और सर गांव से आ गया नवे गांव नेशनल पार्क। मेरे ख्याल से आपको सर बिल्कुल सर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर सर यहां तक क्लियर हो रहा है तो फटाफट मुझे बता दो सर थम्स अप करके, यस सर हमें क्लियर हो रहा है, फटाफट मुझे बताओ सर थम्स अप करके हमको यस सर यहां तक क्लियर हो चुका है, जिससे कि मैं आपको लेके चलूं फटाफट आगे लेके चलूं। सर ये हो गया क्लासिकल डांस। सर क्लासिकल डांस हम लोग लगभग लगभग रोज ही डिस्कस कर लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्रा, ओडिसी ओडिशा, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, रट्टा मार देना एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। सीधे आता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल। सर मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? सर मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है जल्दी से बताओ, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है जल्दी से बता दो। सर एडिटोरियल भी शुरू होगा लेकिन सर वो शुरू होगा आपका ये लॉकडाउन के बाद। सर सर अभी घर से ही कर रहे हैं तो सर अभी वर्क फ्रॉम होम मैं कर रहा हूँ, आप सर लर्न फ्रॉम होम कर लो फटाफट। सर मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर, सर फटाफट बता दो एक बार। मीनाक्षी टेम्पल तो सर यहाँ पर आंसर आना शुरू हो चुके हैं। सर मीनाक्षी टेम्पल के रिगार्डिंग आंसर आना शुरू हो चुके हैं। तमिलनाडु 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 सर तमिलनाडु तमिलनाडु सर इसका सही आंसर भी है तमिलनाडु, जरा समझेगा बहुत ध्यान से। सर इसका सही आंसर क्या है? सर इसका सही आंसर भी है तमिलनाडु, फैंटास्टिक। इसका सही आंसर भी है माय डियर एस्पिरेंट्स तमिलनाडु। तो मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में आता है तो समझेगा सर एक ट्रिक बन सकती है। सर एक ट्रिक बन सकती है, ट्रिक क्या बनेगी देखो, समय ट्रिक बनेगी सर MAN मैन, BKRN तमिलनाडु। देखो सिंपल सी बनी, मैन मतलब इंसान, बी केयरफुल, बी केयर, केयर को मैंने कर लिया के से, केयर मतलब केयर को शुरू होता है सी से, मैंने कर लिया के से भाई, याद करना पड़ता है ना, ट्रिक नहीं बनती। तो बी मैंने कह रहा मैन बी केयरफुल ऑफ कोरोना, कोरोना में एन आता है ना, आपका मैन बी केयरफुल ऑफ कोरोना इन तमिलनाडु, केसेस बढ़ रहे हैं तमिलनाडु में, तो मैन बी केयरफुल ऑफ कोरोना इन तमिलनाडु, ये अपना ट्रिक को समझ लेना। अब देखो सर एम से हो गया मीनाक्षी टेम्पल, एन से हो गया मीनाक्षी टेम्पल, ए से क्या हो गया सर, ए से हो गया अपना अन्नामलाई टेम्पल, ए से हो गया अन्नामलाई टेम्पल, एन से हो गया आपका नटराजन टेम्पल, एन से हो गया आपका नटराजन टेम्पल, बी से हो गया अपना ब्रिहा दिशा, आपका ब्रिहा दिशा टेम्पल, ब्रिहा दिशा टेम्पल, सर के से हो गया कुंभा कोलम टेम्पल, कुंभा कोलम, और सर रामनाथ टेम्पल, रामनाथ टेम्पल, आर से हो गया सर, एन से हो गया निलई टेम्पल, एन से हो गया निलई टेम्पल, और सर सर सब कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो एम से मीनाक्षी टेम्पल, अन्नामलाई टेम्पल, नटराजन टेम्पल, सर ब्रिहा दिशा टेम्पल, कुंभा कोलम टेम्पल, रामनाथ टेम्पल, और सर आपका कहते हैं नीलप्पर या फिर निलई टेम्पल, सब कहाँ पर है, सर तमिलनाडु में है। उसे याद कैसे रखोगे, मैन बी केयरफुल ऑफ कोरोना इन तमिलनाडु, सर याद रखोगे मैन बी केयरफुल ऑफ कोरोना इन तमिलनाडु। तो मीनाक्षी, अन्नामलाई और नटराजन, ये हो गया मैन से, बी से हो गया बृहदस, कुंभा कोलम, रामनाथ और निलई, सब कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सर अगर बात समझ में आ गई हो तो सर मुझे बता देना फटाफट जल्दी से, सर बात समझ में आ गई है। जैसे हम आप बढ़ते हैं सर अपने करंट अफेयर्स की तरफ, सर कुछ मैंने आपके लिए बेहतरीन न्यूज़ लेकर आया हूँ। सर बेहतरीन न्यूज़ देखो क्या है, सर बेहतरीन न्यूज़ देखो निकल कर आ रहा है ADB, ADB सर आपका जाता है, ADB में क्या आता है, ADB ने इन्वेस्ट करा है 100 मिलियन इन इंडियन इंफ्रा वाया NIF। सर देखो NIF क्या है, NIF आपका बेसिकली एक फंड होता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, नेशनल आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बोल सकते हैं हम लोग। तो ये तो अपना NIF वगैरह होते हैं ना, इसकी बेसिकली कुछ नहीं है सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड बनाए गए हैं भारत के अंदर। तो इसी रूट से आपका यहाँ पर जो आपका ADB है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, देखो सबसे समझो NIIF क्या है,
तो ये आपका है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये जो अपना नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, इसके तहत एडीबी ने भारत में 100 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए डालने का आपका मूड बनाया है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है सर, ये आपका जैसा वर्ल्ड बैंक है दुनिया में सर, वैसे एडीबी है आपका कहते हैं एशिया में। इसका मोटो है टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम एशिया पैसिफिक, टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाना है एशिया पैसिफिक से। सर इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। और सर अभी इसके नए बने हैं आपका कहते हैं चेयरमैन, उनका नाम है मसटगु सर असकावा। सर मेन याद रखिएगा असकावा, सर मेन असकावा है, बाकी आगे पीछे का भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, असकावा। तो असकावा साहब बने हैं सर यहाँ के इनके चेयरमैन, टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम एशिया पैसिफिक, ये इसका कहते हो ये इसका मोटो है। और फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, 1966 में एडीबी बना था, 1966 में आपका एडीबी बना था। और नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये NIIF है, और एडीबी 100 मिलियन डाल रहा है NIIF में। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर क्लास का, तो अभी आज इतनी न्यूज हमारे लिए काफी है। सब बढ़ते हैं जल्दी से अपने अगली न्यूज की तरफ, टोक्यो ओलंपिक्स सर शेड्यूल सर होना रीशेड्यूल बेसिकली हो गया है सर, टोक्यो ओलंपिक्स रीशेड्यूल हो चुका है सर, ये होगा 8-23 अगस्त। सर हम लोग आपका ये जो कहते हैं ओलंपिक्स, सर हम लोग ओलंपिक्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपका, ये एक सबसे पहला ओलंपिक्स खेला गया था सर कहते हैं एथेंस वगैरह में, ये हम डिस्कस कर चुके थे। इंपॉर्टेंट बात सर यहाँ पर ये है कि मुझे आप बताएंगे सर ये होना था आपका कहते हैं जापान में, संजो आबे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, येन वहाँ की करेंसी है। सर जो इंटरनेशनल ओलंपिक आपका कमेटी है उसके चेयरमैन कौन है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है, मैं आपको बता चुका हूं, आप मुझे बताएंगे जल्दी से इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइए सर, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइए। और मैं बढ़ाऊंगा जल्दी से अपनी अगली न्यूज की तरफ, अगली न्यूज क्या सर, तो अगली न्यूज जो यहाँ पर निकल कर आती है, RBI टू कंडक्ट 25,000 करोड़ फ्रॉम LTRO। अभी सर LTRO क्या, देखो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो सर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन अगर आपको नहीं पता है तो सर एक बार जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया था। तो सर 18 तारीख का जहां तक वीडियो था एक बार चेक कर लीजिएगा, 18 मार्च का वीडियो है जो मैंने बताया है LTRO क्या होता है। सर जैसे हमारा देखो रेपो रेट होता है ना, जिस रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है बैंक RBI से, उसको मैंने कहा रेपो रेट। अभी देखो रेपो रेट घटा दिया RBI ने, तो रेपो रेट घटा के आपका कर दिया है 4.40। तो सर इसको घटाने का RBI का एक लिमिट होता है, तो उसके बाद अगर RBI चाहता है कि नगदी जाए अगर मार्केट में, तो तरीका क्या निकालता है सर, वो आपका एक ऑक्शन करवा देता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अभी लॉन्ग टर्म क्यों है, क्योंकि सर ये शॉर्ट टर्म होता है नॉर्मली, लेकिन सर ये लॉन्ग टर्म है, 1 साल से लेकर 3 साल तक आप लोन ले सकते हो, ये बैंक के लिए बता रहा हूँ। तो बैंक RBI से 1 साल से लेकर 3 साल के लिए लोन ले सकता है, और सर इसी रेट पे मिल जाएगा, जिस रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है उसी रेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल जाएगा, 1 साल से 3 साल के लिए मिल जाएगा, उसको बोला गया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और RBI इसके तहत 1 लाख रुपए पहले ही डाल चुका है, क्योंकि सर बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा तो लोन देंगे तो डिमांड होगी तो रिसेशन नहीं आएगा, क्योंकि सर IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कह चुका है कि सर दुनिया जा रही है ग्लोबल मंदी की तरफ, क्योंकि पैंडेमिक महामारी जो आपका है कोरोना वायरस, उसने हर जगह हाहाकार मचा रखा है, और सर बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में भी। और स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाहर मत जाइए, किसी से मत करिए सर, क्वारंटाइन हो जाइए। तो सर यही अगले 2 हफ्ते आपको बचा सकते हैं, ये आपको तबियत खराब भी कर सकते हैं। तो सर मैंने आपसे कल भी कहा था चुनौती या पनौती, ये आपको डिसाइड करना है कि ये अगले 14 दिन आपके लिए चुनौती है या पनौती है। तो सर अगर चुनौती है सर 2 हफ्ता बैठिए, लंग फॉर्म होम करिए, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन सर बाहर मत निकलिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस सर आपको पता है सर इंश्योरेंस कंपनी, इसने क्या करा है सर, इसने वो 50 लाख वाली जो कहानी थी ना अपने, जो अपना ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाली कहानी है, जिसमें सर सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करा है। अब क्वेश्चन बन सकता है सर ये 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो कौन देगा, तो भारत सरकार तो देगी, लेकिन भारत सरकार की एक कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो सर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है भारत सरकार की, वो 50 लाख रुपए आपका देगी,
50 लाख रुपए किसके लिए सर? अगले 3 महीने में अगर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो फील्ड पर काम कर रहे हैं, अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिलेंगे सर। ऐसे ही जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं, उनको हमने कहा सर ONGC, BPCL, HPCL, सर ये 5 लाख रुपए अपने LPG सिलेंडर जो आपके बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो LPG बेसिकली आप कहते हैं वर्कर आए मस्त है, जो आपके घर में बेसिकली LPG सिलेंडर लेकर आने वाले भैया हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सर आपका जो ऑयल कंपनीज है वो करवा रही है। तो ऑयल कंपनी 5 लाख रुपए आपका LPG वर्कर्स के लिए करा रही है और भारत सरकार न्यू इंडिया इंश्योरेंस की मदद से 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रही है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। और सब कुछ आपका बेसिकली हो रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, उसका एलोकेशन है 1.70 लाख करोड़। सर अगली देखो फटाफट न्यूज आ चुकी है फिच को लेकर। सर देखो अगली न्यूज आ चुकी है सर फिच को लेकर। इंडिया का रेट कट कर दिया सर, हर कोई इंडिया का रेट ही कट कर रहा है सर। कल बात हुई थी ICR, सर ICR जो आपका जो रेटिंग एजेंसी है सर, जो रेटिंग एजेंसी है इंडिया की सर, उसने 2% बताया है सर। आपका देखो जो अपना ये है ना मूडी सर, मूडी ने कहा है 2.5 सर। अपना ये जो है ना क्रिजल देखो अपने घर का ही है, क्रिजल ने कहा है सर 3.5 सर। ये जो अपना है ना क्या बोलते हैं ये पिच ने भी कह रखा है 4.6। तो सर अभी यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया की रेटिंग के अलग अलग पैमाने आ चुके सर। अभी जब भी देखो वर्ल्ड बैंक भी आएगा, अभी IMF भी आएगा, जहाँ पर इंडिया की रेटिंग घटती हुई दिखेगी सर। उसकी सबकी वजह एक ही है, वो है कोरोना वायरस। तो सर रेटिंग एक बार याद कर लीजिएगा और अगर कुछ अगर अपडेट आएगा आपको जरूर बताऊंगा। और सर अब चलते हैं सर अपने फाइनेंशियल फैक्ट की तरफ। अपना फाइनेंशियल फैक्ट क्या है सर? देखो अपना फाइनेंशियल फैक्ट क्या है सर? फाइनेंशियल फैक्ट है सर IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सर हमने आज डिस्कस करा था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था, बोलो हाँ। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया उसके लिए, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के को ये तो कोड हो गया ना। अभी सर इसके लिए एक बोर्ड आया और बोर्ड आपका आता है IBBI। इसके चेयरमैन कौन है सर? इसके चेयरमैन है MS साहू। और सर ये करता क्या है सर? देखो ये कवर करता है कंपनीज को, ये कवर करता है कंपनीज को, ये कवर करता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को सर, ये कवर करता है पार्टनरशिप फर्म को। तो सर पार्टनरशिप फर्म को कवर करता है, कंपनी को कवर करता है और सर कवर करता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बच्ची समझना बहुत ध्यान से सर, कंपनी सबको पता होती है कंपनी क्या है सर, पार्टनरशिप फर्म भी पता है सर, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। अब सर ये क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? सर ये भी एक रही कंपनी होती है सर, ये भी एक रही कंपनी होती है जहां पर आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई सर। ये देखो ये मिक्स है सर, ये बेसिकली एक हाइब्रिड वर्जन है सर, ये कंपनी और पार्टनरशिप का एक हाइब्रिड वर्जन होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पर बेसिकली आप होते तो पार्टनरशिप में हो, एग्जैक्टली कंपनी नहीं है आपकी, लेकिन सर आपको कंपनी का एडवांटेज प्राप्त है। कंपनी का एडवांटेज क्या होता है कि कंपनी में हमेशा जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो कंपनी का एडवांटेज है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, वही एडवांटेज मिला है LLP को भी। तो LLP इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, ठीक है। अब जरा बात करें सर IBB कौन से केसेस देखेगा, तो सर IBB दो केसेस देखता है। तो वो देखता है एक तो NCLT के केस, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर कोई कंपनी है और वो कंपनी की इंसॉल्वेंसी होनी है, कंपनी डूब गई है, समझो बहुत ध्यान से, कंपनी डूब गई है, तो सर उसके जो एसेट्स हैं उनको बेचकर उनको पैसा दे देना सर, जो बेसिकली क्रेडिटर है। मैंने आपसे क्या कहा था, डेटर के पैसे पर क्रेडिटर का अधिकार हो जाएगा, डेटर के पैसे पर क्रेडिटर का अधिकार हो जाएगा सर। जिनसे पैसा मिलना है उनसे पैसा लेकर उनको दे देंगे जिनको पैसा देना था। तो सर यहाँ पर एक आया था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको देखता है अपना IBBI। और सर दूसरा आता है DRT। DRT सर काम करता है अंडर सर डी, देखो ये अपना काम करता है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, और सर ये अपना काम करता है सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत। सर ये अपना काम करता है सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत। और आप मुझे बता रहे सर सार्फेसी का फुल फॉर्म क्या है? सार्फेसी का फुल फॉर्म मुझे चाहिए, मैंने डिस्कस पहले भी करा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्फेसी? DRT आता है सार्फेसी के अंतर्गत। और आप मुझे बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में सार्फेसी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। अच्छा अब फटाफट देखो सर मेंबर कौन कौन है। MS साहू तो इसके हेड हो गए, सर इसके मेंबर समझिएगा इंपॉर्टेंट है, मिस्टर सुमन सक्सेना। सुमन सक्सेना इसकी है आपका होल टाइम मेंबर है सर। आपका नवरंग सानी इसके होल टाइम मेंबर है, और मुकुलता विजय वर्गिया ये भी इसके फुल टाइम मेंबर है। तो आपका बेसिकली सुमन सानी, आपका नवरंग सानी और मुकुलता विजय वर्गिया सर, ये आपका ये इंसॉल्वेंसी बेसिकली जो हम बात करते हैं आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके हेड, उसके बेसिकली होल टाइम मेंबर है।
और चेयरमैन कौन है, एम एस साहू। कौन कौन सी कंपनियां कवर है, तो कंपनी कवर है, या बस से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कवर है, तो कंपनी कवर है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कवर है, और आपका पार्टनरशिप फर्म कवर है। और सो जो भी केसेस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर आएंगे या डीआरटी के अंदर आएंगे, उन दोनों को देखने का काम आईबीबीआई करेगा। और आईबीबीआई का कोड क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर वो काम करता है, जो किया था सन 2016 में। तो सर यहाँ पर आंसर आना शुरू हो चुके हैं आपका सारफेसी के। फटाफट बताओ सर, सारफेसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताना है सर, सारफेसी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। सारफेसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारफेसी, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए सारफेसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारफेसी, क्विक क्विक क्विक। सारफेसी का फुल फॉर्म क्या है सर, तो सर अगर बात करें यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन, आपको मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन बहुत ज्यादा मैं आंसर कर रहा हूँ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट आपका एक्ट, फैंटास्टिक, 2002 में आया था। पर इसमें क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट आपका इन्फोर्समेंट एक्ट, ऑफ इन्फोर्समेंट एक्ट सर याद रखिएगा। सर ये आपका सारफेसी का फुल फॉर्म हो गया सर, सारफेसी का फुल फॉर्म, सारफेसी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें जल्दी से, तो सारफेसी सारफेसी सर 2002 में आया था। और सर ये हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। बताओ सारफेसी में आर क्या है, तो बताओगे सर रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया है सर, सारफेसी में आर क्या है, तो सर रिकंस्ट्रक्शन है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट सर याद रखिएगा, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और सर हम पहुंच चुके हैं अपने आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, *99# क्या है, *99# क्या है सर, ये भी एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कल। अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर आपको उसको क्या समझा, और सर क्लास कैसी लगी सर ये जरूर बताया करिए सर, क्योंकि आपका जो एप्रिसिएशन है सर वो मेरा मोटिवेशन है। और सर मुझसे मिलिएगा GA क्लास में 2 बजे सर, पढ़ने के लिए कैपिटल मार्केट, इतनी देर बैठे रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और सर चैनल पर आकर अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।